बटने दीजिए। अच्छा मैं उसके ऊपर पहले रख दीजिए पिघलने लगा ओ बलम। हाँ जी रेडी सर। ऐसे मेरी जान वेरी रिच एंड वेरी खतरनाक, बहुत खतरनाक कैरेक्टर है उनका। तो लाइक अयूब इज हिज फ्रेंड ऑल्सो एंड सेम टाइम उससे प्यार भी करता है, तो इट्स इमोशनल पार्ट इज वेरी गुड। प्लस इज गॉट लवली म्यूजिक, बहुत अंदाज तेरा मस्ताना एंड खिलौना, बहुत गुड लवली म्यूजिक। इसके बारे में क्या ख्याल है, रिलोकेशन आपने चुना है यही, क्यों कहीं और भी कर सकते थे? ये गाना है पूरा ग्रीनरी में, हिल स्टेशन का गाना है। आजकल सब जो कर रहे हैं ड्रीम सॉन्ग है, जो भी देखो ड्रीम सॉन्ग में लड़के लड़कियाँ ला रहे हैं, मगर इसमें मैं नहीं ला रहा हूँ, ग्रुप बिल्कुल नहीं ला रहा हूँ। ये ड्रीम सॉन्ग है, दोनों का रोमांटिक सॉन्ग करो और एक एक वैलीज में जाके करो। इसमें मैंने कम से कम 6-8 लोकेशन चेंज कर दी। पहला वहाँ गया था केट्स पॉइंट्स, फिर ये, फिर उसके बाद पंचगनी, डिफरेंट लोकेशन में, और अच्छे अच्छे अभी ये टाइम पे ग्रीनरी बहुत मिलेगी, तो इसलिए हमारे प्रोड्यूसर ने बोले, प्रोड्यूसर को बोला, बोले अच्छा है, रिस्क भी है, बोले चलेगा, तो हाँ इसलिए ग्रीनरी के अच्छा अच्छा वेदर मिलेगा। तो इसमें आपको प्रोडक्शन वैल्यू, जैसे आजकल बहुत सारे जुड़ने जाते हैं डांसर जमा कर लेते हैं, गेटअप से लेके आते हैं, बहुत सारा ज्वेलरी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं, खाली आर्टिस्ट को ही आपने? इसमें ओनली आर्टिस्ट को, कोई ज्वेलरी नहीं, कोई ऐसा नहीं, सिंपल एक इंडियन स्टाइल में। तो रख सकते थे, चाहते थे रख सकते थे, मगर सब एक जैसे एक ही स्टाइल हो रहा है ना आजकल जो भी चल रहा है। जहाँ ड्रीम सॉन्ग हुआ, 100 लड़के लड़कियाँ आ गए, सेट बन गया। आर्टिस्टों के बारे में आपका क्या ख्याल है? आर्टिस्ट बहुत अच्छे, दोनों बहुत कोऑपरेटिव और अच्छा करते, बहुत ध्यान देते काम पे, और हमारा कोई डांस वाला सोच रहे उसी हिसाब से चल, उससे अच्छा हो रहा है, दोनों ने बहुत कोऑपरेट किया। मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ मुकेश जी का लिया, और मेरे को बहुत अच्छा लगा, डायरेक्टर के साथ भी फर्स्ट टाइम, अच्छा है, कैमरामैन हमारा अच्छा है। हाउ इज द प्रोड्यूसर? वेरी गुड, नो टेंशन, जो बोला। फैसिलिटीज मिली? पूरी फैसिलिटीज मिली, जहाँ चाहिए, जो सुबह मैंने टाइम दिया 7 बजे से, 7 बजे सब रेडी, आर्टिस्ट भी कोऑपरेट किए, 7 बजे सब रेडी। हम लोग 7:30 बजे शॉट ले रहे थे सुबह, और इसलिए ये 3 दिन में गाना हो गया, क्या 7 से लेके हम लोग शाम को 5-6 बजे तक शूटिंग करते हैं। तो आज गाना खत्म हो जाएगा? आज खत्म का, क्योंकि मेरा कैमरामैन है वो बहुत गुरु चीज है। खिलौना इज अ स्टोरी ऑफ, इट्स अ लव स्टोरी, इट्स अ ट्रायंगल, एंड बोथ द हीरोज आर इन लव विद वन गर्ल। Normally they show that always one hero sacrifices love for the other, but in here it's the opposite. वो लड़की को हासिल कर लेता है, वो कहता है अगर मेरी दोस्त, मेरा दोस्त इसे प्यार करता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, whoever let the best man win। हासिल कौन कर रहा है? मैं हासिल कर लेता हूँ।
तो दूसरा हीरो आपका दुश्मन बन जाता है। Aditya is playing the second lead and he's a big don. मैं उसका दोस्त होता हूँ और जबरदस्ती मोनिका को अपने पास रखता है। In the beginning, I don't fight him. In the beginning, because he's my friend, I cannot fight him. But because he treats Monica very badly and he's kept Monica मतलब उसने ज़बरदस्ती मोनिका को अपने पास रखा है तो मैं उसे उसे लेके जाता हूँ। पहले हम लोग का प्यार हो जाता है ना, टेक हर अवे क्लाइमेक्स में आपके पास है। हाँ जी, इस फिल्म में ऐसी क्या खास बात है जो आप वो रोल कर रहे हो, उस रोल में ऐसी क्या वो है? मैंने कहा ना नॉमिनी द शो इसी वजह से कर, इसी वजह से कि यार वो हमेशा दिखाते हैं दोस्त अपना कुर्बान कर देते अपना प्यार, तो दिस आई लाइक दिस आइडिया। मौसम लेने लगा पल पल मधुश करने लगी मेरी जान तन्हा।